Now in today's class of SST we are going to read our chapter 3 related to geography and the title is Earth's Movements and Major Landforms. Prithvi ki gatiyan aur vibhin prakar ki landforms jo hame dekhne ko milti hain hamari earth par un sabhi ke bare mein hum is chapter mein janenge. Kaise ye landforms banti hain, kya in sab ke karan hote hain, all things we know in this chapter. In previous chapter we already know about the earth's interior and various kinds of rocks. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था अपनी अर्थ के इंटीरियर के विषय में और वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स के विषय में. जब हम ऑब्जर्व करते हैं अपनी अर्थ के इंटीरियर को तो हम थ्री टाइप्स की लेयर्स को ऑब्जर्व करते हैं. दीज आर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर एंड क्रस्ट. These all are the forms, are the layers of the earth. Crust is the outermost layer, which is formed with rocks. जो चट्टानों से बनी है इसको हम outer layers के रूप में जानते हैं. We also come to know the earth's mantle is region. Mantle layer जो होती है हमारी earth की is एक ऐसा क्षेत्र होता है where heat is circulated and distributed due to which intense energy is produced. जो हमारा मोल्टन मोल्टन लेयर होती है हमारी अर्थ की, जो मेंटल लेयर होती है हमारी, ये वाली जो लेयर होती है ये मोल्टन फॉर्म में होती है और एक हीट को ट्रांसफॉर्म करती है. हीट के ट्रांसफॉर्मेशन के कारण जो हमारा अर्थ क्रस्ट है वो चेंज होता है. इस अर्थ जो हमारा अर्थ क्रस्ट है वो किस पर फ्लोट करता रहता है, इस मोल्टन मैग्मा के ऊपर, मेंटल के ऊपर हमारा क्रस्ट फ्लोट करता रहता है और यहीं पर यह स्थिति पाई जाती है. द अर्थ्स क्रस्ट एज वी ऑलरेडी नो इज लाइटर, यह लाइटर होता है और फ्लोट करता रहता है मोल्टन मेंटल पर. द इंटेंस एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू द हीट कोज मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट. अब जब बहुत तेज़ गर्मी उत्पन्न होती है, जब हमारी अर्थ मूवमेंट करती है तो उसमें बहुत तेज़ गति क्रस्ट पर इंक्रीज होती है और उत्पन्न होती है. दिस कोजेज पीरियडिक चेंज इन द फेस ऑफ द अर्थ, जिसके कारण हमारी अर्थ के ऊपरी धरातल पर, फेस पर समय के अनुसार चेंजेस देखने को मिलते हैं. द अपीयरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लैंडफॉर्म्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक. जो विभिन्न प्रकार की टाइप्स की रॉक्स होती हैं, जस्ट लाइक इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, उनके कारण भी हमारी जो अर्थ है, लैंडफॉर्म है, वो उनके फीचर्स और अपीयरेंस, बनावट दोनों प्रभावित होती हैं. What makes our earth dynamic? हमारी अर्थ को कौन इतना डायनामिक बनाता है, इवन दो इट अपियर्स क्वाइट स्टेबल एंड स्टिल. जबकि ये हमारी अर्थ हमें स्टेबल दिखाई देती है लेकिन ये फिर भी बहुत परिवर्तनशील है. वेल देयर आर फोर्सेज ऑन द सर्फेस एंड अंडरनेथ इट. कुछ फोर्सेज होती हैं जो हमारी अर्थ के सर्फेस पर, ऊपर और इंटीरियर में आंतरिक लेयर के रूप में काम करती हैं. दे आर कंटिन्यूसली चेंजिंग द फेस ऑफ द अर्थ. और ये दोनों टाइप्स की फोर्स हमारी अर्थ के ऊपरी हिस्से को लगातार परिवर्तित करती रहती हैं. सम ऑफ दीज फोर्सेज बिल्ट अप. कुछ फोर्सेज ऐसी होती हैं जो अर्थ की नई नई फॉर्मेशन का निर्माण करती हैं, बट सम डिस्ट्रॉय इट. और कुछ फॉर्मेशन फोर्स ऐसी होती हैं जो डिस्ट्रक्शन का काम करती हैं. दीज डायनेमिक प्रोसेस ऑफ द अर्थ आर मॉडिफाइड सप्लीमेंटेड बाई क्लाइमेट चेंज. अब जो ये लेयर्स होती हैं जो परिवर्तित होती रहती हैं, ये किस किस के कारण हमारी अर्थ को मॉडिफाई करती हैं? क्लाइमेटिक चेंज के कारण, सी लेवल वेरिएशन के कारण एंड नेचुरल डिजास्टर. नेचुरल डिजास्टर में हम इंक्लूड करते हैं अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, सुनामीज, ड्रॉट एंड साइक्लोन्स. ये सब हमारी अर्थ के फॉर्मेशन को चेंज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. व्हाट द अर्थ लुक्स लाइक एट प्रेजेंट इज. हमारी अर्थ जैसी हमें आज के समय में दिखाई देती है, यह हमें शुरुआत से ही ऐसी नहीं दिखाई देती थी, बट इट हैज़ टेकन मिलियंस ईयर्स ऑफ इसने टाइम लिया है मिलियंस ऑफ ईयर्स का, जिसमें जो मूवमेंट्स हुई हमारी अर्थ की, उन सब मूवमेंट्स के कारण, गतियों के कारण हमारी पृथ्वी जो आज हमें दिखाई देती है ये परिवर्तित हुई है. द अर्थ इज़ कॉन्स्टेंटली बींग रीशेप्ड. हमारी अर्थ लगातार रीशेप होती रही है और इसके परिवर्तन में बहुत सारे एजेंट्स हैं जो काम करते हैं, जस्ट लाइक रेनिंग वाटर, फॉरेस्ट, रेन, सन, विंड, ग्लेशियर्स एंड वेव्स. दीज कोज द प्रेजेंट लैंडफॉर्म टू बी वेराइड एंड डाइवर्स. इन सब फैक्टर्स के कारण जो हमारी लैंडफॉर्म है वो
विभिन्न प्रकार की हमें दिखाई देती है और विभिन्नताओं से भरी हुई हमें नजर आती है। इफ़ वी एग्जामिन द वर्ल्ड मैप, अगर हम वर्ल्ड मैप को ऑब्जर्व करें तो हम क्या नोटिस करेंगे, ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका लुक्स लाइक इट वॉज फिटेड इन टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका। हम अगर वर्ल्ड मैप को ऑब्जर्व करते हैं, हम ऑब्जर्व करेंगे हमारा जो साउथ अफ्रीका का ये वाला हिस्सा है हमें कैसा नज़र आता है, अगर हम इसको इस पार्ट के साथ जोड़ दें तो यह पूरी तरह से यहाँ पर फिट हो जाएगा। सेम थिंग हमारा ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा हमारा यहाँ फिट होता है। इस तरह से ही बहुत सारे हिस्से हैं जो ये हिस्सा हमारा यहाँ से निकला हुआ है हमें ऐसे नज़र आएंगे जो एक दूसरे से पूरी तरह से कनेक्टेड हैं और जुड़े हुए हैं और इन्हीं से निकलकर अलग हुए हैं। ये हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, वर्ल्ड मैप को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑस्ट्रेलिया कैन बी फिटेड इनटू इंडियन लैंडमार्क, ऑस्ट्रेलिया लैंडमार्क के साथ फिट हो सकता है जो उसके बीच में गैप दिखाई देता है, यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया ऑस्ट्रेलिया आपको इंडियन लैंडमार्क के साथ फिट होता हुआ नज़र आता है। एंड बे ऑफ बंगाल भी, देयर सीम्स टू बी ए जिग्सा फिट बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स, हमें इस वर्ल्ड मैप पर एक जिग्सा एरिया दिखाई देता है इन कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो एक डिफरेंस क्रिएट करता है और हमारी अर्थ को हमारे कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करने का काम करता है। मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो देयर वाज ए सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पैंजिया, हमारे देश के बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी जो लैंड है जो हमें आज ऐसी फॉर्मेशन में दिखाई देती है वो पहले ऐसी नहीं थी, वह एक पूरी लैंड के रूप में हमें दिखाई देती थी जस्ट लाइक दिस। यू कैन सी हियर आवर लैंड लुक लाइक दिस, इट इज़ ए कंप्लीट लैंड जिसको नाम दिया जाता था पैंजिया, इसको सुपर कॉन्टिनेंट भी कहा जाता था। धीरे धीरे चेंजेस हुए और चेंजेस के साथ साथ यह पैंजिया अलग अलग शेप में हमें नज़र आने लगा, शेप्स में परिवर्तन हमें नज़र आने लगे और इनके बीच डिफरेंसेस आते चले गए, मींस इनके बीच दरारें आती रही और लैंड एरिया अलग होता चला गया और पानी ने, वाटर एरिया ने उस गैप को कवर कर लिया। इस तरह से आज की फॉर्मेशन हमें, जो आज हमें कॉन्टिनेंट्स दिखाई देते हैं, ये फॉर्मेशन अब हमें नज़र आती है और हमें प्रेजेंट डे में अपना वर्ल्ड कैसा दिखाई देता है इस रूप में हमें वह दिखाई देता है। ये सब क्या हुआ, ये सब कैसे चेंजेस हुए, ये सब चेंजेस कैसे हुए, अल्फर्ड वैगनर ने इस थ्योरी को प्रेजेंट किया था, उन्होंने ही ऑल अर्थ पैंजिया के बारे में बताया। एक जनरल जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 7 कॉन्टिनेंट्स की थ्योरी को हमारे सामने प्रेजेंट किया, किस तरह से ये 7 कॉन्टिनेंट अलग हुए, अलग अलग पार्ट्स के रूप में डिवाइड हुए और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ, सुपर कॉन्टिनेंट 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया। इन सब के पीछे जो थ्योरी वर्क करती है उसको बताया गया फोर्स चेंजिंग द अर्थ सरफेस, अलग अलग टाइप की फोर्स हैं जो हमारी अर्थ को चेंज करने के लिए, इसके सरफेस को चेंज करने के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं, जिसमें एंडोजोनिक फोर्स एंड एक्सोजोनिक फोर्स को हम काउंट करते हैं। अर्थ मूवमेंट वर्क करती है 2 टाइप्स की फोर्स पर, एंडोजोनिक एंड एक्सोजोनिक। एंडोजोनिक फोर्स में 2 टाइप्स की फोर्स वर्क करती है, सडन फोर्स एंड डिस्ट्रॉपिक फोर्स। सडन फोर्स में हम शामिल करते हैं अर्थक्वेक जैसे मूवमेंट्स, वोल्केनोस एंड लैंडस्लाइड्स जो अचानक होते हैं, तीव्र गति से ये उत्पन्न होते हैं। डिजास्ट्रॉपिक फोर्स जो माउंटेन्स का निर्माण करती हैं। एंड एक्सोजोनिक फोर्स इरोजनल और डिपोजनल होते हैं, मीन्स मिट्टी के कटाव के कारण और डिपोजिशन लैंड की कारण भी निर्माण होता है। इसमें हम शामिल करते हैं रिवर्स, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर, ये सब इन डिपोजिशन और इरोजन के कारण पाए जाते हैं। ये दोनों फोर्स कैसे वर्क करती हैं, एक्सोजोनिक फोर्स आर दोस दैट एक्ट ऑन द अर्थ सरफेस। एक्सोजोनिक फोर्स वो फोर्स होती है जो हमारी पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर, मीन्स बाहर क्रस्ट एरिया पर काम करती है, जस्ट लाइक विंड, वाटर, आइस, टेम्परेचर कंडीशन, ये सब क्या करती है, ये सब हमारी अर्थ के ऊपरी सर्फेस को मॉडिफाई करने का काम करती है। Endozonic force are those which act beneath the earth surface. वे forces जो हमारी अर्थ के इंटीरियर में वर्क करती हैं और सरफेस पर परिवर्तन लाती हैं। दे में आइदर भी स्लो, ये स्लो हो सकती हैं या तेज गति भी हो सकती हैं और इनके कारण माउंटेन बिल्डिंग्स, कॉन्टिनेंट्स बिल्डिंग्स,
एंड क्विक और सडन लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो इसमें शामिल की जाती हैं। अब हम बात करते हैं प्लेट मूवमेंट्स की, जो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी अल्फर्ड वैगनर के द्वारा दी गई। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट द अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू सेवन मेन लिथोस्फेरिक प्लेट। जो हमारी अर्थ है वो सेवन लिथोस्फेरिक प्लेट में डिवाइड है। हमने पढ़ा था लेयर्स के बारे में कि हमारा लेयर जो हमारी लिथोस्फीयर है मीन्स लैंड एरिया जो हमारा क्रस्ट है वो सेवन प्लेट से निर्मित है। ये लेयर हमारी सेवन प्लेट से निर्मित होती है एंड ये प्लेट्स इन प्लेट्स में लगातार मूवमेंट होते रहते हैं। दीज फ्लोट ऑन द मेंटल एंड कॉन्स्टेंटली इन मोशन। ये फ्लोट करती रहती हैं मेंटल लेयर पर और इनमें लगातार गतियाँ होती रहती हैं। लेट अस फाइंड अबाउट मोर द फोर्सेस दैट मूव्स द क्रस्टल प्लेट्स। अब ये क्रस्टल प्लेट्स कैसे मूव होती हैं हम जानेंगे। वी नो दैट सर्कुलर हीट करंट्स आर जनरेटेड इन द कोर दैट कूल्स द मोल्टन रॉक्स इन द मोल्टन टू हमने लेयर्स के बारे में जाना। जब यहाँ पर हमारा जो इनर कोर होती है आउटर कोर और इनर कोर होती है इसमें जो मूवमेंट होती है उसके कारण जो हलचल उत्पन्न होगी मेंटल लेयर ये क्या करती है ये गतियाँ हमारी क्रस्ट को इफेक्ट करती हैं और हमारी क्रस्ट में चेंजेस उत्पन्न करती हैं। इन चेंजेस के कारण क्या होता है दिस अकाउंट फॉर द मूवमेंट्स ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट। जो हमारी सेवन प्लेट्स हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं उनमें मूवमेंट होती है एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ लिथोस्फेरिक प्लेट इज टर्म्ड एज टेक्टोनिक मूवमेंट्स। इन प्लेट्स में जो मूवमेंट होता है उसको टेक्टोनिक मूवमेंट्स कहा जाता है और यह मूवमेंट्स टू टाइप्स का होता है टेक्टोनिक मूवमेंट्स डिवाइडेड इनटू हॉरिजॉन्टल टैंगेंशियल एंड मूवमेंट्स एंड वर्टिकल रेडियल मूवमेंट्स। तरंगों के रूप में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या होता है दीज मूवमेंट प्रोड्यूस फोर्सेस ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन। ये जो फोर्स होती है हॉरिजॉन्टल मूव करती है हॉरिजॉन्टल मूव डायरेक्शन में जो मूव करती है ये टेंशन और कंप्रेशन दोनों का निर्माण करती है। दीज फोर्स कॉज फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग। फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग मीन्स फॉल्टिंग में सो अर्थ दो अर्थ है फॉल्टिंग के कारण क्या होगा फॉल्टिंग में एयर डिवाइड होगी एंड फोल्डिंग में क्या होता है फोल्ड हो जाती है मीन्स माउंटेन जैसे शेप का निर्माण यहाँ पर होता है। तो दो तरह की टर्म्स हमें देखने को मिलती हैं फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग। फोल्डिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट फोल्डिंग कैसे होता है व्हेन स्ट्रेस कंस्ट्रेंट फोर्स रॉक लेयर्स टू बकल फ्रैक्चर्स एंड फोल्ड चेंज ऑकर्स इन शेप्स एंड वॉल्यूम ऑफ द क्रस्ट। जब स्ट्रेस उत्पन्न होता है तो क्या होता है ये लेयर्स बकल करती हैं फ्रैक्चर इसके ऊपर होते हैं और फोल्ड हो जाती है और हमारी अर्थ की शेप को क्रस्ट की जो शेप होती है उसको चेंज करती है और जिसके कारण दीज वेव्स लाइक फॉर्मेशंस हैव अल्टरनेटिंग अपफोल्ड एंड डाउनफोल्ड। और ये अल्टरनेशन किस रूप में होता है अपफोल्ड एंड डाउनफोल्ड अपफोल्ड एंड डाउनफोल्ड के रूप में हमें ये फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये हमारा अपफोल्ड है और ये हमारा डाउनफोल्ड है। इनको हम टू टर्म्स के रूप में डिफाइन करते हैं एंटीक्लाइन एंड सेमीक्लाइन। एंटीक्लाइन आर अपफोल्ड अपफोल्ड जो होता है ये आपका एंटीक्लाइन कहलाएगा एंड डाउनफोल्ड जो होता है ये आपका कहलाएगा सेमीक्लाइन। आप पिक्चर में देख सकते हैं ये आपका एंटीक्लाइन से अपफोल्ड एंड डाउनफोल्ड जो होता है वो आपका सेमीक्लाइन होता है। इट रिसेम्बल्स एन अर्थ ये एक अर्थ जैसी शेप बनाती है। ये जो शेप होती है हमारी ये अर्थ कहलाती है इसको हम अर्थ शेप कहते हैं अपफोल्ड एंड डाउनफोल्ड। अर्थ जैसी शेप का ये निर्माण करती है विद द रॉक बेड्स स्लोपिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोल्ड। जो रॉक्स बेड्स होते हैं ये स्लोप्स करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोल्ड फोल्ड के सेंटर से मीन्स ये आपका फोल्ड हो गया और इसके सेंटर से ये अपफोल्ड एंड डाउनफोल्ड के रूप में निर्मित होती है। कंप्रेशन हॉरिजॉन्टल स्टार्ट ऑफ प्रोसेस बिफोर फोल्डिंग। फोल्डिंग प्रोसेस से पहले जो हमारी अर्थ थी वो इस फॉर्मेशन में हमें दिखाई दे रही थी लेकिन जब फोल्डिंग प्रोसेस हुआ ये अर्थ चेंज हो गई और हमें इस फॉर्मेशन में दिखाई देने लगी सेनिक्लाइंस एंड एंटीक्लाइंस के रूप में और ये फॉर्मेशन हमें अपफोल्ड और डाउनफोल्ड के रूप में नजर आने लगी। इस तरह से कंप्रेशन शॉर्टन्स एंड क्रस्ट दस फॉर्मिंग फोल्ड माउंटेन। जब कंप्रेशन शॉर्टन होता है और हमारा जो क्रस्ट होता है वो फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण इस तरह से क्रिएट करता है। इस तरह से हमारे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है ये आपका एनिक्लाइंस है एंड दिस इज सेंटेन्स। ये आपके इरोडेड एरियाज है और इरोडेड एरियाज डाउन साइड भी होता है और अप साइड भी होता है।
इस तरह से हमारे फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण हमें देखने को मिलता है। फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म यूजुअली फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स। ये जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं ये सेडिमेंट्री रॉक से निर्मित होते हैं, विच एक्यूमुलेट लॉन्ग द मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ये मार्जिन पर, कॉन्टिनेंट्स के लॉन्ग मार्जिन पर सिचुएटेड होते हैं। व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड, जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड होती है, एक दूसरे से टकराती हैं, टूटती हैं, तो इसके कारण क्या होता है, दे गैदर्ड लेयर्स ऑफ रॉक्स, ये रॉक्स को गैदर करती हैं एंड क्रम्बल एंड फोल्ड जस्ट लाइक द टेबल क्लॉथ, फोल्ड कर देती है टेबल क्लॉथ की तरह, विच इज पुश्ड अक्रॉस द टेबल। दिस हैपन मेनली व्हेन देयर इज मशीनिकली वीक वेसल लेयर लाइक साल्ट, जैसे साल्ट जैसी मैकेनिकली वीक लेयर होती है, तब यह टेबल इस तरह से टेबल क्लॉथ के रूप में फोल्ड हो जाती है और फोल्डिंग माउंटेन्स का निर्माण होता है। फॉल्टिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट, फॉल्टिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट कैसे वर्क करता है, फॉल्टिंग ऑक्यूर्स इन रॉक, फॉल्टिंग प्रोसेस रॉक्स में चट्टानों को जो फूटने के रूप में होता है एंड दे आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस दैट स्ट्रॉन्गर देन द इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक। यह जो स्ट्रेस होता है, दबाव होता है, ये स्ट्रॉन्गर माना जाता है इंटरनल स्ट्रेंथ की तुलना में। जो पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है रॉक्स के अंदर में, ये जो स्ट्रेस होता है ये उससे स्ट्रॉन्ग होता है और इस कारण से ये क्रस्ट को ब्रेक करने का काम करता है। दिस कॉजेज इन द फ्रैक्चर, यह दरार उत्पन्न करता है इन चट्टानों के बीच में, दस कोजिंग इन फॉल्ट और स्पेसिफिक फॉल्ट होते हैं। वैन ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स गेट डिसलोकेटेड फ्रॉम ए प्लेन, जब ये रॉक्स होती हैं डिसलोकेटेड हो जाती हैं प्लेन से, ए फॉल्ट और ए डीप क्रैक ऑफ, तब हमें एक बड़ी दरार। ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये किसी भी डायरेक्शन में टूट सकते हैं, चाहे वो वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हैव यू एवर स्ट्रेच्ड एन इलास्टिक और ए रबर, क्या रबर बैंड को आपने कभी खींचा है, इलास्ट किया है, अंटिल इट स्नैप, जब तक कि ये स्नैप नहीं हो जाता। सिमिलरली व्हेन दीज ब्लॉक्स ऑफ लैंड आर स्ट्रेच्ड फ्रॉम टू अपोजिट डायरेक्शन, जब ये ब्लॉक्स डायरेक्शन तक स्ट्रेच करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, दे ब्रेक अपार्ट एंड गेट्स डिसलोकेटेड, ये टूट जाती हैं और डिसलोकेटेड हो जाती हैं फ्रॉम देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड फॉर्मिंग वीक फॉल्ट, जस्ट लाइक टू लेयर, ये दो लेयर्स हैं जो मैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, एक इस साइड स्ट्रेच होगी, एक इस साइड स्ट्रेच होगी, तब तक कि इन सब दोनों लेयर्स के बीच में एक गैप उत्पन्न नहीं हो जाता है। सच फोर्सेज दैट एक्ट ऑन रॉक्स फॉर टू अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड टेंशनल फोर्स, जब ये जो फोर्स होती है, जब दोनों साइड से अपोजिट डायरेक्शन से जब ये दोनों फोर्स एक लेयर पर वर्क करती हैं, तब हम उसको टेंशनल फोर्स के रूप में इंक्लूड करते हैं। वर्टिकल मूवमेंट, दीज मूवमेंट्स आर कोज बाय फोर्सेज दैट अपलिफ्ट द अर्थ क्रस्ट, ये मूवमेंट हमें इसके कारण कौन सी फोर्स उत्पन्न होती है जो हमारी अर्थ को अपलिफ्ट करती है, क्रस्ट को चेंज करती है एंड कोज इट सब्सिडाइज, और इसको एक नई लेयर के रूप में डिफाइन कर देती है। वर्टिकल मूवमेंट कोज द क्रस्ट टू गैप अपलिफ्ट, जो वर्टिकल मूवमेंट होता है वो हमारी अर्थ क्रस्ट को ऊपर उठाता है। दिस पार्ट ऑफ द क्रस्ट दैट इज पुश्ड अप बाय दीज फोर्स, इन फोर्स के कारण जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, प्लेट्यूज हैं, इनका निर्माण होता है और जो हमारा क्रस्ट होता है वो ऊपर की ओर पुश अप करता है। Sometimes these forces cause subsidence of lands which result in the formation of valleys. कभी कभी इसी टाइप्स की जो फॉर्मेशन होती है, फोर्स होती है, वो क्या करती है, सब्सिडेंस ऑफ द लैंड, लैंड्स का फॉर्मेशन करती है जिससे वैलीज का निर्माण होता है। इसके लिए हम तीन टाइप की प्लेट मूवमेंट्स पढ़ेंगे। प्लेट मूवमेंट्स में भी समराइज एज फॉलो, कन्वर्जन प्लेट मूवमेंट्स आर ए रिजल्ट ऑफ कंप्रेशन फोर्स विच कोज द प्लेट्स टू कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर। कन्वर्जन प्लेट प्लेट्स का कन्वर्जन प्लेट के बारे में क्या कन्वर्जन प्लेट्स, थ्री टाइप्स की प्लेट्स होती है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जन प्लेट जब एक दूसरे से टकराती हैं, ये आपकी एक दूसरे से टकराती हैं, ये इस डायरेक्शन से और ये इस डायरेक्शन से, दोनों एक दूसरे से टकराती हैं। डाइवर्जेंट में एक दूसरे से अलग होती हैं, अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट करती हैं एंड ट्रांसफॉर्म में एक दूसरे के साथ रगड़ करती हैं।
मशीन एक दूसरे से टकरा कर ये मूवमेंट करती है, हलचल उत्पन्न करती है, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो थ्री टाइप्स की फ्लूइड्स मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। नाउ वी कैन सी इन डिटेल्स, कन्वर्जन फ्लूइड मूवमेंट्स आर रिजल्ट ऑफ कंप्रेशन फोर्स, जिसके कारण क्या होता है, माउंटेन्स का निर्माण होता है। हमने अभी डायग्राम में देखा, जब ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है, कन्वर्जन प्लेट, एक प्लेट है, एक प्लेट है, जब ये एक दूसरे से टकराएंगी तो क्या होगी, ये ऊपर, एक प्लेट जब ऊपर इस लेयर के ऊपर, जब दूसरी लेयर ऊपर उठ जाती है, तब उसके कारण क्या होता है, माउंटेन्स की फॉर्मेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। फोर माउंटेन, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट कोलाइड हो जाती है और माउंटेन की फॉर्मेशन का निर्माण हमें देखने को मिलता है। इस तरह से कन्वर्जन प्लेट माउंटेन्स की फॉर्मेशन इंगित करती है। डाइवर्जन प्लेट्स मूवमेंट्स आर रिजल्ट ऑफ टेंशनल फोर्स, पुल दीज प्लेट्स अपार्ट, ये प्लेट्स क्या होती है, एक दूसरे को अलग अलग पुल करती है। डाइवर्जन प्लेट एक दूसरे को विपरीत डायरेक्शन में पुल करती हैं, खींचती हैं, इसके कारण क्या होगा, आपको पता है जब विपरीत डायरेक्शन में हम मूवमेंट करेंगे तो फॉल्स उत्पन्न होंगे, दरार उत्पन्न होंगी बिटवीन द प्लेट बाउंड्रीज थ्रू विच मैग्मा फ्लो आउट, जिनसे मैग्मा निकल कर बाहर आ जाएगा, न्यू ओशनिक क्रस्ट फॉर्म, नए नए समुद्रों की तलहटी इनसे निर्मित होगी। व्हेन हॉट मोल्टन लावा स्लोली कूल एंड सॉलिडिफाइड, जो हॉट मोल्टन मैग्मा जब इनसे निकलेगा और धीरे धीरे ठंडा होगा और सॉलिडिफाइड हो जाएगा, तब इस तरह से ओशनिक क्रस्ट का निर्माण हमें देखने को मिलेगा। ड्यू टू द पुल ऑफ दीज प्लेट्स, इन प्लेट्स के मूवमेंट्स के कारण द क्रस्ट इन द मिड ओशनिक रिस्ट आर वेरी थिन, इन प्लेट्स के मूवमेंट्स के कारण ही, पुलमेंट के कारण ही जो ओशनिक रेज होते हैं हमारे, वो बहुत महीन लेयर के रूप में चले जाते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट्स, ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट्स में दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराती रहती हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं, एंड व्हेन टू प्लेट्स स्लाइड्स पास्ट ईच अदर कॉजिंग इमेंस फ्रैक्शन, और इमेंस फ्रैक्शन के रूप में झटके उत्पन्न होते हैं, इनमें तरंगे उत्पन्न होती हैं, जस्ट लाइक अर्थ भूकंप के रूप में ये तरंगे हमें महसूस होती हैं और विनाशकारी तरंगे ये हमें दिखाई देती हैं। जस्ट लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इन ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन सी दैट दीज लेयर्स, ये जो तरंगे होती हैं, ये जो लेयर्स होती हैं, दोनों एक दूसरे से टकराती रहती हैं और हलचल उत्पन्न करती हैं हमारी अर्थ की क्रस्ट में, अर्थ वर्क के रूप में हम इनको महसूस करते हैं, और इस तरह से ये प्लेट्स टेक्टोनिक्स वर्क करती हैं। अब अर्थक्वेक कैसे आते हैं, हैव यू एवर फेल्ट द ग्राउंड शेक, कभी आपने अर्थ को हिलते हुए देखा है, जो सडन शेकिंग होती है, अचानक हमारी अर्थ हिलने लगती है, क्रस्ट हमारा मूवमेंट करने लगता है, उसको हम अर्थक्वेक के रूप में डिफाइन करते हैं। अर्थक्वेक जो होते हैं डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं और हल्की तरंगों के रूप में जब हमें दिखाई देते हैं तब ये कम झटके वाले होते हैं और विनाशकारी नहीं होते। हम टेलीविजन पर जब भी अर्थक्वेक आते हैं इनके बारे में सुनते हैं तो हम और जहाँ से ये अर्थक्वेक उत्पन्न होता है, शुरू होता है, उसको हम एपिक सेंटर कहते हैं। और इस तरह से ये तरंगे पूरी अर्थ पर फैलने के बाद हमारी सरफेस पर मूवमेंट के रूप में दिखाई देती है, हमारा सरफेस हमें दिखता हुआ नजर आता है। इन एरियाज में ये अर्थक्वेक आते हैं, अर्थक्वेक का मोस्ट कॉमन एरिया देयर आर कॉन ऑफ फॉल्टिंग, यहाँ पर फॉल्टिंग कॉन एरिया जो होते हैं, दरारें जहाँ पर उत्पन्न हो सकती है, वहाँ पर हमें अर्थक्वेक महसूस होते हैं। फॉल्ट्स ऑक्यूर वेयर टू प्लेट्स मीट, फोर्स कब आती है, जब टू प्लेट्स एक दूसरे से मिलती हैं। अर्थक्वेक यूजुअली ओरिजिनेट डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ये जो अर्थक्वेक होते हैं मोस्ट ऑफ हमारी अर्थ की डीप गहराई में उत्पन्न होते हैं। वेयर प्रेशर बिटवीन टू प्लेट्स इज सो ग्रेट, और यहाँ पर क्या होता है, जो दो प्लेट्स होती हैं उनके बीच में जो दबाव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण दे कैन नॉट बी हेल्ड इन प्लेस, वो उसी स्थान पर टिकी नहीं रह पाती ड्यू टू द रिलीज ऑफ प्रेशर, इस दबाव के उत्पन्न होने के कारण जो अंदर की चट्टानें होती हैं क्रस्ट में, स्नैप स्टैंडिंग शॉक वेव एक दूसरे से टकराती हैं और इनमें कंपन उत्पन्न होता है, एक तरंगों के रूप में कंपन उत्पन्न होता है, जिसको हमने डायग्राम में भी देखा, सिस्मिक वेव्स इनको कहते हैं, और ये हमारी अर्थ के चारों डायरेक्शन की ओर मूवमेंट करती है। द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज कॉल्ड फोकस, जहाँ से ये अर्थक्वेक उत्पन्न होता है उसको हम फोकस के रूप में डिफाइन करते हैं। The points on the surface that is vertically above the focus is called apex center.
और उसके वर्टिकल डायरेक्शन का जो एरिया होता है फोकस के ऊपर उसको हम एपिक सेंटर कहते हैं। अब अर्थक्वेक को मेजर कैसे किया जाता है, कैसे हम इसको माप सकते हैं? एक उपकरण की सहायता से अर्थक्वेक को मापा जा सकता है जिसको हम रिक्टर स्केल के रूप में डिफाइन करते हैं। द स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी, कितनी ताकत है अर्थक्वेक की, कितनी तीव्रता है और कितनी अधिक तीव्रता वाली तरंगे उत्पन्न हुई है अर्थक्वेक के द्वारा, इन सबको हम रिक्टर स्केल की सहायता से माप सकते हैं। रिक्टर स्केल हमें बताता है कि सच स्केल मैग्नीट्यूड आर बेस्ड ऑन लॉन्ग रिदम स्केल, ये लॉन्ग रिदम स्केल पर वर्क करता है जिसका बेस माना जाता है 10 पॉइंट। एंड इंक्रीज इन वन न्यूमरल ऑन द स्केल वुड बी रिप्रेजेंट 10 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑन द सिस्मिक चार्ट, और इसको हम सिस्मिक चार्ट के रूप में डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ एन अर्थक्वेक मेजर 7 पॉइंट, अगर हमारा अर्थक्वेक 7 पॉइंट मेजर किया जा रहा है रिक्टर स्केल पर, देन इट इज 100 टाइम्स मोर पावरफुल देन अर्थक्वेक मेजर 4 पॉइंट। तो ये कितना होगा, मीन्स 4 पॉइंट मेजरमेंट जो हम अर्थक्वेक का करते हैं उससे लगभग 100 टाइम अधिक पावरफुल अर्थक्वेक हमें 7 की इंटेंसिटी पर देखने को मिलेगा। एन अर्थक्वेक दैट मेजर लो स्कोर, जो 4 पॉइंट से कम का मेजरमेंट होता है अर्थक्वेक का रिक्टर स्केल पर, डज नॉट कोज मच डैमेज, या एक हल्का भूकंप होता है, हल्की झटके होते हैं जो अधिक डैमेज नहीं करते, बट एन अर्थक्वेक 7, लेकिन जिस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 7 के आसपास होती है वो रिजल्ट इन वाइड स्प्रेड डिजास्टर उत्पन्न करते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना, अनुमान लगाना कि अर्थक्वेक कब उत्पन्न होंगे, किस रीजन में इनका रिस्क अधिक होगा, इसको मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। टू मिनिमाइज डैमेज कोज बाय अर्थक्वेक वेरियस मेजर्स कैन बी टेकन, हम केवल अर्थक्वेक को कम करने के लिए, मिनिमाइज इसके नुकसान को कम करने के लिए कुछ मेजर्स उठा सकते हैं ऐसे एरियाज में जहाँ पर अर्थक्वेक अधिक आते हैं। टू मेक बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, उन एरियाज में अर्थक्वेक प्रोन एरियाज के रूप में ऐसे बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाना चाहिए जो अर्थक्वेक के कारण अधिक डैमेज का शिकार ना हो, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर एक पिक्चर शो की गई है टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ द अर्थ, हमने टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ी, ये टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे होती है, हमने अभी पीछे जाना था चैप्टर में कि जो हमारे अर्थ थी वो पहले एक पांजिया के रूप में, मीन्स एक ऐसी लैंड जो पूरी तरह से एक साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता रहा, मूवमेंट्स हमारी अर्थ के बीच में होते रहे, इन प्लेट्स के बीच में जो हमारी अर्थ ये लैंड था इनमें दरारें उत्पन्न हो गई और ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के रूप में डिवाइड होते चले गए और इस तरह से हमारी अर्थ डिवाइड होकर एक नए वर्ल्ड के रूप में डिफाइन हो गई जिसको हम कॉन्टिनेंट्स के रूप में अब डिफाइन करते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स के रूप में जानते हैं। इसी के थ्रू अब हम क्या जानेंगे, जो हमारी पूरी लैंड एक साथ थी इनके बीच में हमें ये मार्जिन दिखाई दे रहे हैं जो बाउंड्रीज का निर्माण करते हैं, वे पॉइंट्स जहाँ पर कंपन उत्पन्न हो सकता है और जहाँ से दरारें आसानी से क्रिएट हो जाती हैं उनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स के रूप में, मूवमेंट्स के रूप में डिफाइन करते हैं। मीन्स वो एरियाज आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके एरियाज टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाएंगे। देखिए यहाँ पर रेड मार्क से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पर रेड मार्क से दिखाया गया है वे प्लेसेस जो दरारों के कारण अलग हो जाते हैं एक एक दूसरे के हिस्सों से, उन प्लेट्स को हम टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम देते हैं। ये प्लेट्स अलग अलग हुई अर्थ में जब मूवमेंट आए, ये प्लेट्स अलग होते चले गए और इनके अलग होने के कारण क्या हुआ, हमें अलग अलग कॉन्टिनेंट के रूप में लैंड दिखाई देने लगी। यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये अलग अलग लैंड्स यहाँ से अलग हो गई इन प्लेट टेक्टोनिक्स के मूवमेंट में दरारों के कारण, ये कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से डीपर होते चले गए। ये प्लेट्स जो होती हैं, ये मार्जिन जो होता है इन कॉन्टिनेंट्स के बीच में जहाँ से दरारें उत्पन्न हुई और आसानी से लैंड डिवाइड हो गई टू पार्ट में, उन्हीं को हम प्लेट टेक्टोनिक्स के रूप में डिफाइन करते हैं। यहाँ पर डायग्राम से आप देख सकते हैं वोल्केनो, वोल्केनो इज सीन एज ओपनिंग, एक ओपनिंग एरिया और वेंट जिसको वेंट भी कहा जाता है इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट पर जहाँ से पिघला हुआ मॉल्टन मैग्मा बाहर निकलता है राख के रूप में, गैसेस के रूप में और सरफेस पर फैल जाता है। वोल्केनोज आर जनरली फाउंड वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स कन्वर्ज एंड डाइवर्ज, ऐसी प्लेट्स जहाँ पर कन्वर्जन प्लेट होती हैं डाइवर्जन प्लेट होती हैं वहाँ पर वोल्केनोज उत्पन्न होते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है कन्वर्जन टेक्टोनिक प्लेट्स का वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर माना जाता है, एंड बेस्ट एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंटिक टेक्टोनिक प्लेट्स मिड अटलांटिक रिज।
volcanoes can also form in place where earth crust is subjected and stretched and thinning, such as African Rift Valley. इस तरह के volcanoes आसानी से इन places पर फॉर्म होते हैं जहाँ पर जो stretching होती है, thinning होती है, आसानी से crust stretch करता है, thinning करता है, जैसे कि African Rift Valley इस तरह का area माना जाता है. Volcanic eruption occur in subjugation zone. इस तरह के zones में जहाँ पर created when two plates, usually an oceanic plates or continent plates collide. जब ये दोनों types की plate collide करती हैं. Oceanic plates and continent plates. The oceanic plates is overlapped by the continent plate. Oceanic plate होती है समुद्र की तलहटी में. ये आपका ocean है, इसकी तलहटी में जो plates होती है, जब overlap कर ली जाती है by the continent plate, deep ocean trench just offshore, किनारों की ओर, तब हम इसको volcanic eruptions के areas के रूप में देख सकते हैं. यहाँ पर Pacific Ring of Fire आपको दिखाया गया है, इस डायग्राम में Pacific Ring of Fire को शो किया गया है. Types of volcanoes, अब volcanoes कितने types के होते हैं? Active, सक्रिय volcanoes जो हमेशा सक्रिय रहते हैं. Volcanoes that erupt frequently, जो लगातार collide होते रहते हैं, erupt होते रहते हैं, उनको हम active volcanoes के रूप में define करते हैं. Most of active volcanoes in the world lie in Pacific Ring of Fire. जो हमने भी Pacific Ring of Fire को देखा था, most of active volcanoes जो होते हैं, वो इसी areas में पाए जाते हैं, इसी एरिया के आसपास एक्टिव वोल्केनोस हमें दिखाई देते हैं. माउंट इटना इन इटली एक एक्टिव वोल्केनो का एग्जांपल माना जाता है. नेक्स्ट इज डोरमेंट वोल्केनोस, वोल्केनोस दैट हैव नॉट इरप्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम बट हैव चांसेस टू इरप्ट इन फ्यूचर आर कॉल्ड, वे वोल्केनोस जो बहुत लंबे समय तक अभी तक इरप्ट नहीं हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इरप्ट नहीं होंगे, उनसे वोल्केनोस उन वोल्केनोस के फटने के कारण फ्यूचर में संभावना है कि वो फट जाएंगे और उनसे मैग्मा बाहर निकलेगा. इस तरह के जो वोल्केनोस होते हैं वो डोरमेंट वोल्केनोस में डिफाइन किए जाते हैं, जस्ट लाइक माउंट वेसुवियस और इसका एग्जांपल माना जाता है. डोरमेंट वोल्केनोस का एग्जांपल माउंट वेसुवियस ऑफ इटली को माना जाता है. एक्सटिंक्ट वोल्केनोस, वोल्केनोस दैट नॉट हैव इरप्टेड फॉर एटलीस्ट 10,000 ईयर्स, ऐसे वोल्केनोस जो लगभग 10,000 साल हो गए हैं अब तक इरप्ट नहीं हुए, एंड आर नॉट लाइकली टू बी इरप्ट एट ऑल, और ऐसा माना जाता है कि वो इरप्ट भी नहीं होंगे, जिनके वोल्केनोस के फटने की संभावना नहीं है, वे विलुप्त वोल्केनोस एक्सटिंक्ट वोल्केनोस के रूप में जाने जाते हैं, जस्ट लाइक माउंट किलिमंजारो माना जाता है. नाउ नेक्स्ट टर्म इज हॉटस्पॉट. Hotspots are usually located where the heat of the earth's mantle created a column of force. वह area जहाँ पर एक hot गर्मी का क्षेत्र निर्मित होता है earth के mantle layer पर, उसको हम hotspot कहते हैं. यहाँ पर जो molten material होते हैं rise until it reaches the crust. Crust पर पहुँचने से पहले यहाँ पर ये molten अवस्था में मौजूद होते हैं. The temperature melts in the rock in the crust forming pipes through which magma can be released to the surface. ये क्या होती है, ये temperature के कारण जब ये magma पिघल जाता है चट्टानों के अंदर और एक pipes के रूप में, through pipes के रूप में ये magma बाहर release होता है हमारी surface पर. The Hawaiian Islands, they may such volcanoes. Hawaiian Island इसी तरह का एक example है जहाँ पर hot spot के रूप में इस area को, इस area से release हुआ magma पाइप्स के रूप में बाहर आया था, इसको एक हवेन आइलैंड के रूप में हम जानते हैं, ये इसी तरह का वोल्केनो माना जाता है. नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर. वी कैन सी दिस चैप्टर विद द कॉन्सेप्ट मैपिंग इन शॉर्ट वे आल्सो. ऑल टर्म्स व्हिच वी रीड इन दिस चैप्टर यू कैन ऑब्जर्व इन कॉन्सेप्ट मैपिंग आल्सो एंड एक्सरसाइज एंड नोटबुक वर्क वी विल डिस्कस इन क्लास. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस टर्म रिलेटेड टू दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो. And try to understand all terms